सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर क्लास। थोड़ा सा हम पिछला देखें, हमने शुरुआत की थी टाइप्स ऑफ डाइज में, और टाइप्स ऑफ डाइज जो एग्जाम में आती हैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और साथ में फेयर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर सिंपल डाई यानी एक ही ऑपरेशन होगा, सबसे पहली बात तो ये है, एक स्ट्रोक होगा रैंक का, उसमें एक ही ऑपरेशन होगा, एक ही डाई है, एक ही पंच है। यहाँ पर शीट रखी है आपने और शीट को यहाँ पर आप पंच के थ्रू क्या कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, इट इज अ सिंपल डाई। अब हम आगे चले, कॉम्बिनेशन कंपाउंड या प्रोग्रेसिव में ये एक ही ऑपरेशन नहीं, एक से ज्यादा ऑपरेशन, दो या दो से ज्यादा, एक होगा तो वो होगा। अब दो या दो से ज्यादा में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें कंपाउंड डाई में आप देखिए खासियत की ये शीट है, यहाँ पर एक पंच यहाँ पर शेयर होगा, एक दूसरा इस जगह पर शेयर होगा, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये ब्लैंक निकल गए आपके बाहर। यहाँ पर देखिएगा ये आपका पंच हो रहा है, मतलब होल होगा, यहाँ पर होल होगा, बीच में होल होगा, यहाँ पर कट के शीट बाहर आएगी और यहाँ पर इस तरीके से दोनों ऑपरेशन जो हो रहे हैं, दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्लैंकिंग और कटिंग। तो ये वाला पंच जो है ये वाला, ये कौन सा है, ब्लैंकिंग वाला, ये अपर वाला है, और लोअर वाला जो है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा है आपका, पंचिंग पार्सिंग पंच, मतलब दो पंच, एक पंच ऊपर से है ब्लैंकिंग पंच और एक पंच नीचे से पार्सिंग। पार्सिंग क्या करेगा, होल करेगा, जबकि यहाँ पर ये जो है शीट ब्लैंक जो है ब्लैंक हमारे काम करेगा, जबकि इसमें जो है होल हमारे काम करेगा। इस तरीके से दोनों कटिंग ऑपरेशन होंगे कंपाउंड डाई में। तीसरा जो बताया था मैंने कॉम्बिनेशन डाई, तो कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले ये बीच के हिस्से में यहाँ पर शीट क्या होगी, ब्लैंक बनेगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है हमारे काम का है ब्लैंक। उसके बाद पंच जो है फर्दर मूव होगा, एक पंच जो है ये वाला है जो कि ब्लैंकिंग पंच है, और अंदर वाला जो है वो कपिंग पंच है। तो एक नंबर का कपिंग पंच है, दो नंबर का आपका ब्लैंकिंग पंच है, और ये तीन नंबर की प्लेट है, और चार नंबर की डाई है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसे नीचे आएंगे तो पहले ब्लैंकिंग होगी, और ब्लैंकिंग के बाद यहाँ पर जो है वो कपिंग हो जाएगी। इसके बाद अब हम आगे चले तो प्रोग्रेसिव डाई में आप देखें तो प्रोग्रेसिव डाई में शूज होते हैं, पर आप देखेंगे अपर शू में सारे पंच लगे हुए, डिफरेंट टाइप के पंचेस, और नीचे डिफरेंट टाइप की डाइज है। तो आप एक शीट जो है वो एक स्ट्रोक में एक ऑपरेशन करेगी, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रोक में जब पंच ऊपर जाएगा तो शीट जो है मूव करेगी, फिर फर्दर ऑपरेशन होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो एक कोई शीट मेटल की आपने कॉइल ले ली, उसको लगातार जो आप बढ़ते जा रहा है उस पर ऑपरेशन होते जा रहा है। फिर इस प्रोडक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले में आपका क्या है, ये पायरसिंग है सर्कुलर, सॉरी स्क्वायर पायरसिंग है, सर्कुलर आपकी पंचिंग है, और यहाँ पर क्या है ये नोचिंग है, या ये आपका कंटिन्यू फिर आपके आगे चल रहा है, ये पार्टिंग है, ये पंचिंग है, ये स्क्वायर पंच है, ये सेमी नोच है, लाइक दिस। इसमें जो स्ट्रिप है वो लगातार चलती जाती है, और पंच और डाई पंच मूव होते जाते हैं, जिससे कि लगातार आपको आइदर ब्लैंक और पंच जो भी है, कटिंग नॉन कटिंग सारे ऑपरेशन साथ होते जाते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव डाई है। अब हम बात करते हैं कि प्रेस के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम इसमें बात करेंगे कि जो पावर अप्लाई करते हैं हम रैम को, रैम जो ऊपर नीचे होता है, रिसिप्रोकेट होता है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला है क्रैंक, जो हमने पावर प्रेस में देखा था, क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड पिटमैन, उसको कनेक्टिंग रॉड को पिटमैन भी बोलते हैं। फिर आपका रैम जिसको पिस्टन बोला जाता है, फिर बीच में गाइड, फिर सीधा आएगा। दूसरा होता है केम एंड फॉलोवर, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में। देन इसेंट्रिक मतलब अभी मैं पिक्चर में दिखा दूंगा, पावर स्क्रू है, नकल ज्वाइंट है, रेक एंड पिनियन। रेक एंड पिनियन कौन सा अरेंजमेंट है, रेक मतलब स्ट्रेट टीथ होंगे, पिनियन गोल वाले। फिर इसका टॉगल होगा, हाइड्रोलिक होगा, न्यूमेटिक होगा। तो जो आप पावर देते हैं उसके बेस पर आप क्लासिफाई करते हैं। इसमें आपकी बुक में और तरीके के क्लासिफिकेशन मिलेंगे, जैसे कि शेप ऑफ फ्रेम वगैरह के आधार पर, सी शेप है, स्ट्रेस शेप है, तो ये आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो आपको ये बताने का था कि पावर जो देते हैं ड्राइव मैकेनिज्म वो क्या होते हैं वो बताने का था। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव मैकेनिज्म, ये आप देख रहे थे यहाँ पर, ये अपन ने सेकंड वाला क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म अपन ने देखा था। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका पिस्टन, या क्या बोला था, रैम। ये मैकेनिज्म था अपने ड्राइव का, पावर प्रेस का जो पड़ा था। ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का एसेंट्रिक ड्राइव में देखिए आप कि यहाँ पर ये ड्राइव है और ये एक बड़ी वाली शाफ्ट है जो कि इसका सेंटर एसेंट्रिक है, दूर दूर है, अलग अलग। जब ये रोटेट होगी तो इस तरीके से चलेगी कि यहाँ पर इस तरीके से आएगी, फिर कनेक्टिंग रॉड टाइप, फिर इधर जाएगी। तो ये एसेंट्रिक ड्राइव मैकेनिज्म है जिसको आप देख सकते हैं। एसेंट्रिक और क्रैंक में डिफरेंस है कि एसेंट्रिक जो है शॉर्ट लेंथ ऑफ स्ट्रोक के लिए यूज किए जाते हैं इसका, लेकिन वर्किंग जो है सिमिलर टू क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड होती है, बस इसका स्ट्रोक जो होता है वो शॉर्ट होता है। ये पिक्चर है। तीसरा और बता देता हूँ, केम ड्राइव में अपन जानते हैं, जैसे कि केम में क्या होता है कि केम में अपवर्ड स्ट्रोक होता है, रिटर्न स्ट्रोक होता है, कुछ ड्वेल भी होता है। तो ये देखिए आप, ये केम है, इसके ऊपर एक बॉडी बना दी है, पूरा क्या हो गया अपना फॉलोवर। जब केम चलेगी जहां पर राउंड आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, ये ड्वेल रुक जाएगा, मतलब दबने के बाद रुका रहेगा।
फिर ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर आएगा, तो ये कैम है और ये वाला हिस्सा आपका जो है ये फॉलोवर है, तो कैम ड्राइव है। टॉगल की बात कर, नकल जॉइंट की बात करें तो नकल जॉइंट आपने देखा होगा उसमें एमडी में बनाए होंगे आपने नकल जॉइंट, एक नकल पिन होगी यहाँ पर जॉइंट होंगे, पावर ड्राइव यहाँ से करेंगे और ये इस तरीके से मूव करके ऊपर नीचे होंगे। तो पिक्चर से कुछ ड्राइव के, ड्राइव पे हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक वीडियो और देख सकते हैं ड्राइव पे, तो उस वीडियो को हम यहाँ पर देख लेते हैं ड्राइव पर। इसमें ये इसमें ड्राइव पर एक वीडियो है उसको देख लेते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो इसमें हालांकि स्लो चलता है क्योंकि चलता क्यों है ये तो मुझे नहीं पता लगा, बट हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहली बात थी ये पावर प्रेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ऐसा है कि कील रख के उसको हथौड़े से मारना। आप एक खास चीज देखिएगा, कील रखना हथौड़े से मारना है, इसका मतलब क्या होगा, हथौड़ा आपका 500 ग्राम का है, आपने कील रखी यहाँ पर उसको लेकर के ठोका तो क्या होगा, वो बेसिकली इंपैक्ट होगा, इंपल्स होगा, मतलब एक 500 ग्राम का फोर्स बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो 1.25 टन होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, इसमें आप देख रहे हैं फ्लाईव्हील जो है एनर्जी को स्टोर करेगा जाता है नीचे, तो वो इंपल्सिव जो मिलता है वो इफेक्ट ज्यादा देती है, मतलब जो 50,000 टन हम बोल रहे हैं या 5,000 टन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मशीन में रैम का वजन है या ये है, बेसिकली फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है और जैसे हम क्लच से एंगेज करते हैं रैम ऑपरेट होता है और रैम जो उस समय इफेक्ट देता है शीट पर वो जो है जस्ट लाइक कील की तरह होता है कि जो हमारी कील चलती है और वो हमारी ऑपरेट होती है। देखिए इस वीडियो में बताया कि ये कील आपको ठोकना है, यहाँ पे आपने हैमर से ठोकेंगे तो कील जो आप मार रहे हैं, हैमर जो मार रहे हैं वो आपका 500 ग्राम वेट होगा। चल रहा है ये, लेकिन सी चल रहा है, यस ये देखिए आपका हैमरिंग हुआ, वेट ऑफ हैमर कितना है 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, जबकि इसका इंपैक्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है नेल कील के ऊपर कितना आ रहा है 1.25 टन्स। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 500 ग्राम एक वेलोसिटी के साथ आता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के साथ, तो उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो 1.25 टन है। यही प्रिंसिपल हमको यूज करना है। ये हमारा फ्लाईव्हील है, यहाँ पर ये हमारा क्लच है, क्लच को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि जब हमको चाहिए और रैम को नीचे ले जाना हो उस समय। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ये अपनी कनेक्टिंग रॉड है, इस तरफ अपना ब्रेक होगा जो अपन ने देखा था, ये कनेक्टिंग रॉड या पिटन बोलते हैं, यहाँ पर अपनी रैम है और आगे रैम की गाइड आएगी जो आप देखेंगे, और जब ये चलेगा तो आप देखिएगा कि चलता है फ्लाईव्हील लगातार घूम रही है, फ्लाईव्हील लगातार घूम रहा है, लेकिन जैसे हम क्लच को अटैच करते हैं तो एक इंपल्सिव फोर्स आता है जस्ट लाइक हैमरिंग ऑन द नेल, मतलब कील पर हथौड़े को मारने वाला, वो वाला इंपैक्ट आपको दिखेगा, जिससे कारण आपको लगेगा कि देखिए ये मतलब 125 टन इसने इंपैक्ट दिया है कटिंग के लिए या नॉन कटिंग ऑपरेशन ऑफ प्रेस के लिए। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए ये झटका आया ये गया। तो बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इंपल्सिव फोर्स है रैम का। ये देखिए रैम है, ये अपना पंच यहाँ पर आपने अटैच कर दिया, ये पंच और ये अपनी डाइल यहाँ पर आकर के ऑपरेशन हुआ। तो इस तरीके से अपन ने देखा यहाँ पर टोटल क्लास में आज की जो थी, बीच में हमें हालांकि एक क्लास ब्रेक करना पड़ी क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम आ रहा था, तो इसमें हमने देखा इनाल आज की क्लास में हम बात करें, शुरुआत हमने की प्रेस वर्किंग ऑपरेशन से, प्रेस वर्किंग ऑपरेशन, प्रेस ऑपरेशन वर्किंग ऑपरेशन में जो थे कटिंग और नॉन कटिंग, कटिंग हम बोले शेयरिंग या नॉन कटिंग में ले हम तो बोल देंगे बेंडिंग में नॉन कटिंग आएगा, ड्राइंग नॉन कटिंग में आएगा, एम्बोसिंग स्क्विजिंग जो है वो भी नॉन कटिंग में था। अब कटिंग में शेयरिंग में हमारे पास थे पार्सिंग पंचिंग या ब्लैंकिंग, उसके बाद हमारे आ गए स्क्विजिंग में क्वाइनिंग और एम्बोसिंग। तो इस तरीके से ये हमने ऑपरेशन की सीक्वेंस देखी, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डाई में देखा, सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, और फिर इसके बाद लास्ट में हमने देखा प्रोग्रेसिव डाई, फिर हमने स्पेशली ड्राइव मैकेनिज्म में देखा, उसमें भी स्पेशली हमने देखा कि ये क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म क्या होता है। बाकी दूसरे मैकेनिज्म भी होते हैं, इसेंट्रिक है, नकल जॉइंट है, टॉगल है, ये सारे नाम है आपके सिलेबस में इतने है नहीं है, बट लेकिन समझना जरूरी है कि एक छोटा सा रैम, छोटा सा वजन, प्रेशर जब आता है वो इमीडिएटली इतने टन का कैसे हो जाता है। तो बेसिकली इट इज हैमरिंग ऑन द नेल, दिस इज द बेसिक। सो आई थिंक आज के लिए पर्याप्त है, तो हम यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। हाँ अभी आपके यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे को चैट पे लिख दे, यदि किसी को क्वेश्चन हो तो वो चैट पे दे दे, कोई डाउट हो या मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। जैसा कि अब अपन ने देखा यहाँ पर
इनाल हमारा जो था सिलेबस वाला जो पोर्शन था प्रेस वर्किंग का, कि प्रेस वर्किंग के पावर प्रेस, फ्लाई प्रेस, उसके बेसिक कंपोनेंट, उसका फिगर, इसके बाद उसके ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ डाइस जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं, वो हमने इनाल यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आज हमने ये पढ़ा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैडम ने आपको पढ़ा दिया यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।